नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर YouTube के अपने चैनल तथागत IAS Academy में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक महिला सशक्तिकरण पर आधारित है, जिसके माध्यम से आज हम आशा कार्यकर्ता मतिल्दा कुल्लू पर चर्चा करेंगे, जिन्हें फोर्ब्स ने 2021 के लिए भारत की सबसे सशक्त महिला के तौर पर तीसरा स्थान प्रदान किया है। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ताकतवर भारतीय महिलाओं की 2021 की सूची में ओडिशा की आशा कार्यकर्ता ने भी जगह बनाई है। सुंदरगढ़ जिले की 45 वर्षीय आदिवासी कार्यकर्ता मतिल्दा कुल्लू बड़ा गांव तहसील के गर्ग डबहल गांव में कार्यरत हैं। आशा दीदी के तौर पर इनका सफर काफी दिक्कतों भरा रहा है। आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य मिशन को लोगों ने उपहास के द्वारा नजरअंदाज किया, लेकिन जननी सुरक्षा के तहत जच्चा और बच्चा को कई बार मतिल्दा मौत के मुंह से बचा लाई। तो लोगों को भी लगने लगा कि मतिल्दा जो भी कर रही हैं वो उन्हीं की भलाई के लिए है। तो धीरे धीरे मतिल्दा की बात लोगों को समझ में आने लगी और वे उन्हें सम्मान की नजर से देखने लगे। मतिल्दा को यह कार्य करते हुए 15 साल हो चुके हैं। उनके अथक प्रयासों और जागरूकता से लोग अब बीमार पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं, जबकि पहले वे जादू टोना, ओझा तांत्रिक और अंधविश्वासों के बल पर इलाज करते थे, जिसमें जोखिम ज्यादा था। मतिल्दा साइकिल से रोजाना 50 से 60 घरों में जाकर शिशु के जन्म से लेकर बच्चों के टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं को सुविधाएं पहुंचाती हैं। वहीं HIV सहित कई STD बीमारियों से लोगों को बचाव के तरीके भी बताती हैं। कोरोना काल में जब अपने ही अपनों को मरने के लिए अस्पतालों में छोड़ जाते थे, तब मतिल्दा जैसे स्वास्थ्य कर्मियों ने ही अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार किया और घरों में जाकर उनके टेस्ट किए और वैक्सीन लगवाने को उन्हें राजी किया। मात्र 4500 रुपए वेतन पाने वाली मतिल्दा ने अपना जीवन बरा गांव तहसील के 964 लोगों की देखभाल के लिए समर्पित कर दिया है। ओडिशा की मतिल्दा कुल्लू के अलावा फोर्ब्स इंडिया ने सेल्फ मेड वुमन पावर लिस्ट में स्टेट बैंक की पूर्व चीफ अरुंधति भट्टाचार्य, महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, फिल्म अभिनेत्री रसिका दुग्गल, पैरा एथलीट अवनी लेखरा, पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि, Amazon Prime Video की हेड ऑफ ओरिजिनल अपर्णा पुरोहित और भाविना पटेल का नाम भी शामिल है। वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मतिल्दा के समर्पण और उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मतिल्दा हजारों समर्पित कोविड योद्धाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो लोगों को बचाने के लिए खड़े रहे हैं। फोर्ब्स इंडिया वुमन पावर 2021 की सूची में नामित होने पर मैं उन्हें बधाई देता हूं। इन बड़ी हस्तियों के बावजूद एक छोटे से गांव की आशा कार्यकर्ता का महिला सशक्तिकरण की सूची में नाम शामिल होना कोई छोटी बात नहीं है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।